हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं एक नोटबुक तैयार करना कि कैसे तैयार किया जाता है और उसको बनाने के लिए किस किस ऑप्शन का यूज करेंगे, वो आज की क्लासेस में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। तो देखो, सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिए, इस नोटबुक को तैयार करने के लिए सबसे पहले आपको टेबल पे आना होगा, टेबल लेना होगा एक। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक टेबल इंसर्ट करा दिया। और देखो, टेबल जो लेंगे ना वह 1 गुणे 1 का लेंगे। 1 गुणे 1 का मतलब क्या, एक रो और एक कॉलम। एक खूब पढ़ रहे हो तुम लोग। 1 गुणे 1 का मतलब एक रो और एक कॉलम, ठीक है। यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अब क्लिक करने के बाद से देखो, यह बहुत ही छोटा दिखाई दे रहा है, ठीक है। और मुझे ऐसा करना है कि यहाँ पे आ जाए और यह वाला लेंथ यहाँ पे आ जाए। तो चलो, यह रो और कॉलम लेने के बाद से यह देखो प्लस यहाँ पे पॉइंट दिख रहा है एरो के जैसे, इसी को क्लिक कर देंगे तो ये सेलेक्ट हो जाए। और सेलेक्ट करके यहाँ पे इसको पकड़ेंगे, मतलब लेफ्ट दबा देंगे, होल्ड कर देंगे, और होल्ड करके लास्ट में लाके यहाँ पे चिपका देंगे। बस तुम दूसरा कर रही थी, जानती क्या कर रही थी, लाइन को खींचने के लिए कर रही थी। नहीं तो बताना चाहिए आपको, ये प्लस पॉइंट। अब हमें हमें लगा कि आप लाइन को कर रही हो। और यह वाला जो लाइन है इसको क्या करेंगे, जो डॉटेड लाइन है ये तो हो ही जाएगा, क्लिक करेंगे और लाके लास्ट में यहाँ इसके अंदर लाके छोड़ देंगे। बस आ गया, बस इतना ही दिमाग लगाना था आपको। अब दबा दो टैब। हो गया। अब उसके बाद से क्या करना है, अभी भी नोटबुक हमारा सही से तैयार नहीं हुआ है, उसके लिए मैं आऊंगा फिर से इंसर्ट टैब पे। और इंसर्ट टैब पे आने के बाद से आ जाऊंगा सेपेज में, और सेपेज में आने के बाद से ले लूंगा लाइन। क्या लूंगा, लाइन। और लाइन को सीधी लाइन खींचना हो तो मैंने पढ़ाया था शुरुआत में, किसके साथ दबाएंगे, बोलो जल्दी से। जी, शिफ्ट के साथ दबाएंगे सीधा लाइन लेने के लिए। तो मैं आऊंगा और यहाँ पे, और आने के बाद से मैं करूंगा क्या, यहाँ पे शिफ्ट दबा के और लाइन खींचूंगा सीधा। यहां तक ले सकते हैं या लास्ट ले सकते, लाइन खींच दिया। अब इस लाइन को खींचने के बाद से इसका भी थोड़ा सा मोटा करना हो तो मैं फिर से शेप आउटलाइन पे आऊंगा, और शेप आउटलाइन पे आने के बाद से यहाँ पे क्लिक करके और आ जाऊंगा। नहीं, इतना ही रहने देते। और यह ऐसा फॉर्मेट आ गया। अब इसको मैं करूंगा क्या, फिर से शेप आउटलाइन पे आऊंगा और इसका मैं कलर कर दूंगा क्या, रेड। ऐसा ही आपके कॉपी में सबसे ज्यादा है। अब इसको मैं क्या करूंगा, ऐसा ही लाइन एक और बनाऊंगा जिससे लगे कि हाँ रियल में ये हमने नोटबुक तैयार किया है। तो मैंने बताया था आपको किसको डबल करना है, तो क्या दबाएंगे, डबल क्लिक, डबल अंडरलाइन के लिए। रियली से नहीं बताया है, ये कहना चाहिए सर नहीं बताया, ठीक है। मतलब डबल करने के लिए भी बताया ही नहीं, ठीक है। मतलब अगर किसी शेप को, किसी इमेज को अगर डबल करना है, डुप्लीकेट उसका बनाना है, तो दबाएंगे कंट्रोल डी, नोट कर लेना। आओ, ठीक है। तो जो नहीं पढ़ा उसको बताना चाहिए सर, पढ़ाए नहीं हो बताइए, कंट्रोल डी। अब शेप को डुप्लीकेट करना हो या चाहे पिक्चर को करना हो, मतलब किसी ऑब्जेक्ट को करना हो, तो उसके लिए कंट्रोल डी दबाएंगे, टेक्स्ट को नहीं, ऑब्जेक्ट को। लिख लो, एमएस वर्ड में किसी भी ऑब्जेक्ट को डबल करने के लिए कंट्रोल डी का प्रयोग किया जाता है। नहीं तो आप लोग सोचो सर क्या पढ़ाते हैं डेली, आप सब मज पढ़ाते जाते हैं, मजा आता नहीं है। देखो आज आपको लगे हाँ कुछ बनाए हैं, कुछ मेहनत करते लोग बनाते हैं, कुछ लोग बनाते नहीं, क्यों बस क्लिक क्लिक कर देते हैं।
चलो अब देखिए, मैं कंट्रोल डी कर दिया लेकिन बहुत दूर है, इसको पास में लाना है, तो ये सिलेक्टेड पहले से बाहर क्लिक मत करना, और लेफ्ट से आप लोग इसको थोड़ा पास में कर देते बस। और पास में करने के बाद से फिर इसको शिफ्ट के साथ पकड़ के और लास्ट में लाके चिपका देना, और नीचे आएंगे और यहाँ पे पहले से बना ही बना हो गया। अब आएंगे बाहर क्लिक कर दें, अब बाहर क्लिक करने के बाद फिर से लाइन इस बार हॉरिजेंटल बनाना है, तो मैं फिर से इंसर्ट पे आऊंगा और शेप पे आऊंगा, लाइन पे आऊंगा, और लाइन पे आने बाद फिर से शिफ्ट के साथ, और इसी लाइन पे जो लास्ट वाला है शिफ्ट के साथ खींचूंगा लाइन, और इसको थोड़ा और ऊपर करूंगा बस, इसी में जब चिपक जाए, और उसके बाद फिर से आउटलाइन पे आऊंगा और आउटलाइन को थोड़ा सा मोटा करूंगा बस, और आउटलाइन मोटा करने बाद फिर से मैं क्या करूंगा, कलर करूंगा रेड, फिर से कंट्रोल डी करूंगा, और कंट्रोल डी करने के बाद से शिफ्ट के साथ इसका साइज फिर से एडजस्ट करूंगा यहाँ बगल में भी। तुम लोग कॉपी में है देखो, सही है ना, है, चलिए किसी में होगा किसी में नहीं होगा, दोनों साइड है। चलिए आते हैं, और आने के बाद से या मैंने इसको लाया, सेलेक्टेड है ही है, इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर देंगे बस, हुआ तैयार। अब बाहर क्लिक कर देंगे फिर से, और बाहर क्लिक करने के बाद से मुझे यहाँ पे डेट भी लिखना है और पेज नंबर भी लिखना है, इसलिए फिर से इंसर्ट पे आऊंगा मैं और सेपे पे आऊंगा, और यहाँ पे आपकी मर्जी कौन सा स्टाइल लेना है यहाँ पे, तो मुझे लिखना है जो इस स्टाइल में लिखना है लास्ट वाले राउंडेड, और यहाँ पे कोने में आऊंगा और ड्रैग कर दूंगा, और ड्रैग करने के बाद से यहाँ पे आऊंगा और फिर से आ जाऊंगा सेफ फिल पे इसी फॉर्मेट पे, और सेफ फिल पे आने के बाद से यहाँ पे आ जाऊंगा कलर कर दूंगा व्हाइट, और व्हाइट कलर करने के बाद से आउटलाइन पे आऊंगा और आउटलाइन कर दूंगा थोड़ा सा मोटा, और उसके बाद फिर से आऊंगा आउटलाइन को कर दूंगा ग्रेड कलर, और इसी में हमको लिखना है, अब मुझे लिखना है डेट, लिख दिया डेट, ठीक है। अब कुछ कहाँ है तो कंट्रोल ए करेंगे सेलेक्ट हो जाएगा, होम टैब पे आएंगे कलर कर देंगे रेड, अपने आप दिख जाएगा, लिखा है लेकिन कलर क्या था इसका, व्हाइट, तो व्हाइट व्हाइट में दिखेगा नहीं, और मैं यहाँ पे आऊंगा और लगा दूंगा डॉट 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 डॉट, ठीक है। फिर से इंटर दबाऊंगा और लिखूंगा क्या, पेज नंबर, और लगा दूंगा डॉट 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 डॉट, या पेज क्यों लिख के भी सेट कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो, हो जाएगा। अब देखो अगर ये थोड़ा ज्यादा रहता तो स्पेस भी हम लोग सेलेक्ट करके कम ज्यादा कर सकते हैं, कहाँ से लाइन स्पेस यहाँ से और कम कर सकते हो, आपस में चिपक जाए, आ गया। अब यहाँ पे लाने के बाद से देखो तैयार तो हो गया, अब कैसा बनेगा, अब इसी ब्रांडेड बनेगा। अब देखिए फाइल पे आएंगे और प्रिंट पे आएंगे, ऐसा ही कुछ प्रिंट होगा आपको, सर कैसे बहुत सारे लोग बना देते हैं, और क्या जो प्रिंट में दिख रहा है या प्रिंट आउट वही प्रिंट हो गया आएगा, जितना दिखेगा उतना ही आएगा, क्या कर रहे हो साइज, जो प्रीव्यू में जितना दिख जाता है उतना ही शो होगा, और हमेशा लेटर में और फोर साइज प्रिंट करते हैं, तो प्रिंटर सेटअप जब पढ़ाऊंगा आपको पहले लेआउट तो बताऊंगा, बस इतना समझिए बाइट पर हमेशा लेटर नहीं प्रिंट होता है, तुम्हारी मर्जी ये फोर साइज भी कर सकते हो, प्रिंटर के यहाँ पर सेटअप सब दिया है, ठीक है। और हमेशा इसको मैं डिस्कस करता हूँ, और आज भी सुन लो, यहाँ पे एक बना दिया और पूछेगा कॉपी, मतलब इसका कितना कॉपी आपको चाहिए, तो आप बताओ, वैसे तो होता है एक बना लेते हैं लोग, अब 10 रुपए का कॉपी है तो मान लो 20 25 50 कौन कितना पेज रखना है उतना ही प्रिंट कर देते हैं, कवर पे लगा देते हैं, मार्केट में भेज देते हैं, मान लो 50 रुपए की कॉपी है उसमें रहना चाहिए 100 पेज,
फिर आप लिख देंगे नंबर ऑफ 100 और प्रिंट कर देंगे, निकल जाएगा कवर पे, लगा देंगे मार्केट में, सेल कर देंगे। ऐसा नहीं 100 के लिए 100 बार बनाना पड़ता है, नहीं एक बार बना दिया बस इसको प्रिंट कर देंगे निकल जाएगा, जितना कॉपी चाहते हो उतना निकल जाएगा। क्योंकि ऐसा तो है नहीं, हर हर एक पेज पे हेडिंग अलग अलग है, हमको लिखना है, हम अपने हिसाब से हेडिंग बनाएंगे, अपने हिसाब से डेट लिखेंगे, तो ऐसा ही लोग कुछ करते हैं, ऐसा ही बनाते हैं, बन जाएगा, बहुत सिंपल है, कर ले जाओगे। बस दो ही ऑप्शन इस्तेमाल ही किया हूँ, ठीक है, एक टेबल बना दिया हूँ, दूसरा लाइन खींच दिया हूँ, तीसरा सेपेज लाके टेक्स्ट लिख दिया हूँ, ठीक है। और आप लोग ऐसे ही डे बुक तैयार करके देख ले, हो जाएगा। चलिए बैक आते, भूलेगा तो नहीं, बोलो, कोशिश करेंगे, ठीक है। अच्छा और देखो एक और टास्क किसी के साथ बता देते हैं आपको, यह तो हमारा नोटबुक कैसे तैयार होगा, और एक और बता रहा हूं कैलेंडर कैसे तैयार होगा, कि अगर कौन सा दोनों सर एक बार कर देंगे तो अपने आप एक कर देखिए कैसा दिया है, सबका फॉर्मेट वही है, दिख रहा है, ये अप्लाएंगे और नंबर ऑफ कॉपी ले लेंगे, वहां पे कर देंगे डुप्लीकेट, दोनों तरफ प्रिंट होगा, मतलब प्रिंटर में ऐसा ऑप्शन दिया है कि जब बना देंगे और नंबर ऑफ कॉपी कर देंगे 50 तो 25 पेज पे प्रिंट होकर चला आएगा दोनों साइड। जो हमारा फर्स्ट वाला प्रिंटर है ना, तो क्या करता है, मैं एक दिन बताया भी था, एक बार एक साइड को प्रिंट करेगा और फिर से खींच के अंदर लेके जाएगा, खींचना भी नहीं पड़ता है, और पलट के फिर से प्रिंट करके दे देता है, ठीक है, दोनों साइड हो जाएगा, कमांड आपके ऊपर है कैसे दे रहे हो। तो जहां पे प्रिंटर जैसा होता है, हर प्रिंटर में नहीं होता है, अगर नॉर्मल बगल में जो सबसे लास्ट में ब्लैक कलर का प्रिंटर ऑफिस में, उसे नहीं होगा, उसे क्या करना पड़ेगा, पहले एक बार प्रिंट होगा फिर से निकालेंगे फिर से पलट के लगाएंगे, हमको करना पड़ेगा। और जो पहले अभी हाल ही में प्रिंटर जो खरीदे हम लोग, वो पहले प्रिंट करेगा फिर से खींचेगा अपने आप, फिर से प्रिंट करके दे देगा, हाँ चार्जेस उसके अलग है, सेटिंग करना पड़ेगा हमको, ठीक है, तब होता है, लीजिए हो जाएगा बाबू। चलिए अब देखो कैलेंडर बनाना सीखते हैं हम लोग, अब कहो सर कैलेंडर किससे बनेगा, तो यही तो एक ऑप्शन मैंने छोड़ा है आपको क्यूब टेबल, ठीक है, तो इसी टेबल के सारे हम कैलेंडर बनाना आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुनना समझना, हाँ ऐसा भी मत समझना कि कैलेंडर का सॉफ्टवेयर है और इसी से कैलेंडर डिजाइन किया जाता है, इससे नहीं किया सकता, ठीक है, लेकिन फिर भी तुम चाहोगे तो अपने हिसाब से थोड़ा बहुत काम चलाओ कैलेंडर क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, टाइम ज्यादा नहीं लगेगा, क्विकली हो जाएगा, लेकिन ये कैलेंडर सबसे ज्यादा ग्राफिक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर पे इस्तेमाल होते हैं, फिर भी इसमें भी दिया है, हम करके दिखाते हैं आपको और अच्छा दिखेगा, आप लोगों को भी दिखेगा, हमको भी दिखेगा, ठीक है। आते हैं क्या करेंगे, क्यूब टेबल, क्यूब टेबल ऑप्शन क्यों दिया है, क्यूकली किसी टेबल को बने बने टेबल को इस्तेमाल करना है तो क्यूब टेबल का इस्तेमाल करते हैं। देखो अभी तक हम टेबल बनाए थे, एक्सेल स्प्रेडशीट से भी अपने हिसाब से बनाए थे, ड्रॉ टेबल से भी बनाए थे, इंसर्ट टेबल से भी बनाए थे, लेकिन क्यूब टेबल में पहले से टेबल बना बना दिया है, अगर इसमें से किसी का इस्तेमाल करना चाहते तो बस सेलेक्ट करके इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें से कौन सा चाहिए, यह वाला या वाला, जो ले लो वही इंसर्ट हो जाएगा, तो हमको कैलेंडर बनाना सिखाना है इसीलिए हम ले लेते हैं सेकेंड वाला, ठीक है, यह बना बना फॉर्मेट इंसर्ट हो गया, अब इसको जितना चाहता हूं उतना छोटा हो सके कर दूंगा, मैं यहाँ पे आया और इसको छोटा कर दिया, जितना हो सके उतना कर देंगे, बस इससे ज्यादा नहीं होने वाला, बड़ा हो जाएगा, ऐसे ही बड़ा करके देखा जा सकता है, ये भी अच्छा है, ठीक है, ऐसे पढ़ करके भी देखा सकते, क्या बना दे ऐसे ना, इसे रहने, और सेलेक्ट करके यहाँ पे टेबल का स्टाइल यहाँ से चेंज कर देंगे, बस ठीक है, और आपके ऊपर है, आप जैसा लेना चाहते हो, स्टाइल अलग अलग दिए गए, यहीं से चेंज करेंगे हम लोग, ला दिया। अब देखो यहाँ पे क्या है, जून है, तो यहाँ पे जून कब से स्टार्ट हुआ है, क्या डे था, यहाँ पे देखो यहाँ पे 1 तारीख, ठीक है, तो यहाँ से हमको सही करना पड़ेगा, 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा और यहाँ पे लिखना होगा जून, तो लिख दिया जून,
और यहां से इसको सेलेक्ट करके डिलीट, इसको भी सेलेक्ट करके डिलीट, और इसको भी सेलेक्ट करके डिलीट। अब क्वेश्चन, क्यों डिलीट किए हो? क्योंकि डेट के हिसाब से हमको सही से लेके चलना है। अब यहां लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 बढ़ाते जाएंगे। क्या दबा रहा हूं? टैब बटन दबा रहा हूं। जी 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 वही करने आ रहे हैं। ठीक है बाबू, ऐसे मैंने फॉर्मेट सेट कर दिया। बोलो, अब ऐसे टाइप करने के बाद से चार तो मही रहने देते हम लोग, ठीक है? मैंने तरीका बताया कैसे चेंज करोगे, और ऐसे हर महीने का चेक कर लेना, चेंज कर देना। अब को उधर कैसे, तो बस यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लूंगा और कॉपी कर दूंगा इसको, और नीचे आ जाऊंगा और लाइट क्लिक करके पेस्ट कर दूंगा, हो गया। फिर से नीचे आऊंगा पेस्ट, फिर से नीचे आऊंगा पेस्ट, फिर से नीचे आऊंगा पेस्ट, और देखते एक और आ जाए तो अच्छा है। नहीं आ रहा, बस 5 आ जा रहा है, एक पे आ रहा ना जी। अब यहाँ पे जून जुलाई अगस्त सितंबर कर लेंगे। अब फिर से पूरे को सेलेक्ट कर देंगे और राइट क्लिक करके कर देंगे कॉपी, और कॉपी करके बाहर क्लिक करके डबल क्लिक कर देंगे, और डबल क्लिक करने वाला राइट क्लिक करके पेस्ट कर देंगे। लो, हो गया। बोलो, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे क्या कर सकते हो, ये कैलेंडर बना सकते हो, इंसर्ट करा सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो। तो कितना हो गया, 10 हो गया। तो दूसरे पे जाएगा तो वो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, इस पे नहीं आ पाएगा, डबल क्लिक करेंगे देखो ये डिलीट हो जाएगा। इसीलिए 5-5 का रेशियो बनाइए, कुछ ऐसा आप लोग क्रिएट कर सकते हो जाएगा। बाबू बना लोगे ना? नहीं बोल रहे, मत बनाना, छोड़ देना। अगर ऐसे अगर क्रिएट करना है तो इसी, या ऐसा स्टाइल देना तो ऐसा भी स्टाइल दे सकते हो, भी अच्छा दिख रहा है। ये फॉरवर्ड देखो, एक नए पेज पे इंसर्ट कराते हैं, कंट्रोल एन। ये वाला आ गया आराम से, एक पेज ऐसे बना लेंगे मंथ वाइज, हो जाएगा। या क्यूकली टेबल वाला, क्यूक टेबल वाला, क्यूकली किसी टेबल को इंसर्ट करा के उसका प्रयोग कर लेंगे।